और सावेर उपचुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं और इन परिणाम में बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट करीब 50,000 वोट से जीते। इस अवसर पर सावेर विधानसभा के चुनाव प्रभारी और बीजेपी विधायक रमेश मेंदुला ने कहा कि यह भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं की जीत है। जिन लोगों ने मातृशक्ति का अपमान किया था, उनको जनता ने सबक सिखाया है। सावेर क्षेत्र में तुलसी सिलावट ने 3 महीने में कई विकास कार्य करवा दिए हैं, जो कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार नहीं करवा पाई। यही वजह रही कि जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। आने वाले दिनों में सावेर क्षेत्र में और विकास कार्य तुलसी राम सिलावट के नेतृत्व में किए जाएंगे। बीजेपी विधायक रमेश मेंदुला ने तुलसी सिलावट को जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। दादा, इसे जिस तरीके से क्षेत्र की जनता ने भरोसा जताया है और तकरीबन अब माना जाए 50,000 से ज़्यादा की जीत तय है, लगभग क्या कहेंगे जीत को लेकर? प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। और जिन लोगों ने मातृशक्ति का अपमान किया है, उसे जनता ने भरपूर सबक सिखाया है। ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत की उनकी जीत है। मैं तुलसी भाई को भी अग्रिम बधाई दे रहा हूँ जीत की। मेरे ख्याल से 50,000 तक अभी लीड होगी, 50,000 से ऊपर ये लीड जाएगी और भारी बहुमत से जनता ने मतदान करके विजयश्री दिलाई है। तो मैं जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और तुलसी भाई को बधाई देता हूँ। अगर बात की जाए मेरे साथ चुनाव को लेकर, तभी से पूरे संगठन ने ये तय किया था कि 50,000 से ज़्यादा की लीड से उन्हें जिताना है और संभवतः जीत भी उसी ओर आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय जनता के लिए और क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता के प्रति तो आभार ही व्यक्त कर सकते हैं कि उन्होंने जो प्यार और जो स्नेह दिया, जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया, उनके प्रति हम दिल से पूरी पार्टी के हम सब कार्यकर्ता उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने जो उम्मीद की है तुलसी भाई से, जो उन्होंने विकास किए, अभी जो 3 महीने में जब से बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज जी के मंत्रिमंडल में तुलसी भाई शामिल हुए, उसमें शरीक हुए, मंत्री बने, उन्होंने इन 3 महीने में 5,000 करोड़ के विकास के काम केवल सांवेर के लिए लेके आए। उसमें 2400 करोड़ की तो नर्मदा परियोजना ही, जो सिंचाई परियोजना थी वो एक बड़ी 2400 करोड़ की, और उसके बाद सड़क हैं, बिजली के काम हैं, सारे काम ड्रेनेज के काम हैं, पानी के काम हैं, बहुत सारे काम हैं जो तुलसी भाई ने 3 महीने के अंदर करें। 3 महीने के अंदर 5,000 करोड़ के विकास के काम उन्होंने कराएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की है कि शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। तुलसी भाई ने बहुत काम किए, वहाँ काम नहीं हो रहे थे इसीलिए तुलसी भाई छोड़ के आए, जो कांग्रेस ने वादे किए थे। अब तो ये सिद्ध भी हो गया है कि जिन वो गद्दार कौन है, जिन्होंने जनता के साथ जो वचन दिए थे उन्होंने उनका पालन नहीं किया, उनको करा नहीं, वो गद्दार थे कि जो जनता के को वचन देकर आए थे और उनको छोड़कर शिवराज जी के साथ आए। तो जनता ने शिवराज जी के नेतृत्व में तुलसी भाई और उनकी पूरी टीम को स्वीकार किया और उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके कारण जनता ने उनको सबक सिखाया। और जो उनकी प्रवृत्ति है कांग्रेस की मातृशक्ति के प्रति, जिन अपशब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, उसका भी जनता ने भरपूर उसका सबक भी सिखाया और तमाशा भी जड़ा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।